दोस्तों आज हम बनाएंगे स्टार स्पेशल कुरकुरे स्प्रिंग रोल। ये रोल बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। स्प्रिंग रोल सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़ा कुरकुरा करके बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इन मजेदार से क्रिस्पी रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे। तेल को मैंने पूरे पैन में फैला लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम कुछ सेकंड भून लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसे चलाते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेंगे। मैंने चिकन को अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट भून लिया है। हमारा चिकन भी व्हाइट कलर का हो गया है। अब हम गैस की आंच को स्लो कर देंगे और इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला। अब हम चलाते हुए सभी ड्राई मसालों को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मीडियम आंच पर इसे ढककर 7 से 8 मिनट पका लें ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। मैंने 7 से 8 मिनट चिकन को अच्छे से कुक कर लिया है। कितनी देर में हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है। 1 कैरेट को इस तरह से मैंने जुलियन में काट लिया है और 1 शिमला मिर्च को भी इस तरह से जुलियन में काट लें। अब हम इन चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर ढककर पका लेंगे ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। कितनी देर में हमारी सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे चलाते हुए मिला लें। अब मैं इसमें 3 चीज क्यूब्स डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन चीज डालने से इसमें बहुत ही अच्छा चीजी सा फ्लेवर आता है। अब हम चीज को मेल्ट होने तक पका लेंगे। हमारी चीज मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर चलाते हुए मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें। ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। हमारा गाढ़ा सा घोल बनकर तैयार है। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, हमें इसी तरह का घोल बनाना था। अब इसे एक तरफ रख दें। ये मैंने एक समोसा शीट ली है। अब हम इसके ऊपर अपनी स्टफिंग रख देंगे। मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्टफिंग रख दिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इधर से इस तरह से मोड़ लें। अब हम इसके ऊपर इस तरह से अपना मैदे वाला गिलू लगा लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से चिपका लें। अब हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि हमारा रोल अच्छे से चिपक जाए। हमारा रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी रोल बना लेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से स्टफिंग रख लेंगे। इतनी फीलिंग में मेरे 6 स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इनको एक्स्ट्रा कुरकुरा बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। इसे हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। मैंने कॉर्नफ्लेक्स को इस तरह से हल्का हल्का क्रश कर लिया है। अब हम अपने मैदे के बैटर में 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल लेंगे और इसे चलाते हुए मिला लें। अब हम अपने स्प्रिंग रोल को मैदे के बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लें। मैंने इसे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरह से अपने बाकी के सभी स्प्रिंग रोल इसमें डिप करके कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसे 15 से 20 दिन के लिए किसी अटार डिब्बे में करके फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे इसे निकाले रूम टेम्परेचर पर आने पर फ्राई करें और खाएं। मैंने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल मीडियम गर्म होने पर हम स्प्रिंग रोल को तेल में डाल देंगे। मीडियम आंच पर हम इन्हें सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सभी तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से अपना दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। बहुत ही मजेदार से कुरकुरे हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं, बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ। जब आप इन्हें बनाएंगे तो ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।